दोस्तों कुत्तों की फौज आती है हमको समझाने, पता है क्या रीमेक और चोरी में डिफरेंस क्या होता है। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं कब तक तीसी मसूरी और खेसारी करते रहोगे। दोस्तों इनका कहना है कि अगर तबला गाना चोरी का है तो फिर ये वाला क्या है, या फिर ये वाला क्या है, ये चोरी का नहीं है। जब सारेगामा का प्रोजेक्ट है और सारेगामा का ही कंपनी भोजपुरी में लॉन्च कर इस गाना को, तो गलत कहां से। खैर इस मुद्दे पे तो हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले इन जाहिलों को देखिए कि ये यूट्यूबर बन रहे हैं जिनको इतना नहीं नॉलेज है कि ये चोरी का है कि नहीं है। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। दोस्तों तबला गाना जो है वो चोरी का है, कैसे, सबसे पहले वो समझिए। लिरिक्स जो है वो पूरी तरीके से चेंज है और उसको अपने भाषा में गाया गया है। उसके बाद म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी ऑलमोस्ट चेंज है, हुक लाइन चुरा के गाने की कोशिश की गई है। इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, कोई मोटरसाइकिल चोर है जो मोटरसाइकिल की चोरी करता है, उसका टंकी बदलवा देता है, उसका टायर और मोटर गार्ड बदलवा देता है और फिर कहता है कि ये हमारे बाप का मोटरसाइकिल। और फिर जब ओरिजिनल बाप के हत्थे चढ़ जाते हैं तो फिर उनका कुछ इस प्रकार के बांस से इलाज होता है, फिर बताते हैं कि भारी मिस्टेक हो गया सर। अब खैर विवाद हो रहा है इस वाले गाने पे कि ये गाना चोरी का नहीं है, ये गाना तुमको चोरी का नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो सीधा और सिंपल बात में ये गाना चोरी का नहीं है, क्योंकि ये गाने का लिरिक्स जो है सो सेम है, म्यूजिक जो है सो सेम है, म्यूजिक लेवल भी सेम है और उसको एक प्रोफेशनल तरीके से रीमेक बना के रिलीज किया गया है, जैसा कि बॉलीवुड भी करती है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी उस चीज को अपनाने की कोशिश की गई, जो कि अच्छी बात है। सिर्फ खेसारी लाल यादव चोर है। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। उसका एक और फैक्ट दिखाते हैं, जैसे ये दोनों गाने का जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। इस लाइन को फोकस कीजिएगा तो इसमें समझ में आएगा कि ये गाने का ओरिजिनल सॉन्ग के ओनर को क्रेडिट दिया गया है जिसने इस गाने को बनाया है, या फिर पवन सिंह के दूसरे गाने को भी देखिएगा तो यहाँ पे भी पुराने वाले ओनर को दिया गया है। लेकिन ये जो गाना है तबला गाना वो चोरी का है, उसी मोटरसाइकिल की तरह टंकी और इसको बदल के इसमें सिर्फ अपना नाम दे दिया गया है कि ये मेरा ही क्रिएशन है, म्यूजिक भी हमारा ही है। और जब आता है लोग समझाने कि क्या चोरी का है तो इसके कुत्ते आ जाते हैं फौज लेके ये समझाने की रीमेक और चोरी में डिफरेंस क्या है। तुम जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहां पढ़ा लिखा दूं। दोस्तों चोरी इसको कहते हैं कि दूसरे का सामान जाके ले लिए और जब तक 50 जूता मुंह पे नहीं पड़े तब तक सकार नहीं लेना है कि ये सामान चोरी का है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, कोई आदमी नहीं सकार रहा है कि हम कहीं से चोरी किए हैं, सब इन्हीं लोग का है, सारा नाम देख सकते हैं। तुम्हें शर्म है कुछ, कुछ शर्म आया है। बाकी दोस्तों उसके बाद एक ये वाली लाइन सुनिए। मौसा से ना पूछ लो कि लाल घाघरा कहाँ से उठे लाना, तो अपन मौसा का गाना याद ना आई कि कहाँ कौन बॉलीवुड के गाने से चुराई ले बढ़े। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका माई दाई भाई सब लोग मिलके एक ही नाम जपते हैं, खेसारी भैया खेसारी भैया। पापा मौसा जीजा सब एक ही इंसान को समझते हैं, इसलिए वो इंसान गलती करे तो कुछ नहीं, लेकिन सामने वाला अगर सही भी कर रहा है तो उसको गलत नजर आ रहा है। अब आप ही देखो ना, लाल घाघरा के बारे में जिस चीज के बारे में ये कह रहा है उसके बारे में आज से पहले ही हमने महीनों दिन पहले उस चीज को दिखा दिया है, लेकिन कहां से दिखेगा, तुमको तो दलाली करने से फुर्सत नहीं है अपने मौसा का। अब जितने लोग खून खौला के यहां तक वीडियो देख लिए हैं, आपके लिए भी कुछ है, ये वाला लाइन जरा सुनते जाओ। दोस्तों लास्टली हम यही कहना चाहेंगे, सही को सही और गलत को गलत कहो, कितना दिन दलाली करोगे। और बाकी अगर इस वीडियो में कुछ बुरा लगा हो निकल लो, पहली फुर्सत में निकल।